बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट टू, और इसमें जो हम टॉपिक आज पढ़ेंगे वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर साल जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पहले होता क्या है, पहले हम ये समझेंगे इसमें डेप्रिसिएशन क्या है। द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब यहां पर जो आया है ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता, डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, यानी आहिस्ता आहिस्ता कम होना किस चीज़ का, वैल्यू का यानी कीमत का। और किस चीज़ की कीमत, फिक्स्ड एसेट की। फिक्स एसेट ऐसे एसेट्स को हम कहते हैं जो एक साल से ज़्यादा देर निकालते हैं, यानी जिनका फ़ायदा किसी भी कारोबार को एक साल से ज़्यादा होता है, इसका मतलब है कि ऐसे एसेट को कहा जाता है फिक्स्ड एसेट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल फिक्स एसेट हम किसे कहेंगे, लैंड को, बिल्डिंग को, प्लांट को, मशीनरी को, यानी ऐसे ही ऐसे एसेट्स जो एक साल से ज़्यादा देर निकालेंगे। लेकिन इनमें से वाहद एक ऐसा एसेट यानी लैंड है जिसकी डेप्रिसिएशन नहीं होती, बाकी सब की डेप्रिसिएशन हो जाती है, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो वक्त के साथ साथ कम होती चली जाती है, लेकिन लैंड की वैल्यू जो है वो कम नहीं होती। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा ना, वो तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन तो पूछा जाएगा डेप्रिसिएशन में से, काफ़ी क्वेश्चन जो दो दो नंबर के होंगे, लेकिन जो इंशाइयर सवाल में आएगा वो डेप्रिसिएशन आपको मालूम करनी होगी आपको दो मेथड के ज़रिए, दो में से कोई भी एक आपको पूछा जा सकता है कि डेप्रिसिएशन मालूम करें इस मेथड के थ्रू। अब दो मेथड कौन कौन से हैं, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब जब ये पेपर में आएगा ना, तो ये ज़रूरी नहीं कि इन्हीं नामों से आएगा, इनके और भी कुछ नाम हैं। जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड का नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड, और एक और नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसी तरह जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसके भी दो और नाम हैं, एक है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब इन दो मेथड से कोई भी वो एक मेथड आपको बोल सकता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड से सवाल हल करें या रिड्यूसिंग बैलेंस से हल करें। अब हमने यहाँ पर ये जानना है कि इन दोनों मेथड्स में फ़र्क क्या है। पहले हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड और फिर हम देखेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, और एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल हमने एक एसेट खरीदा, कोई भी चीज़, हमने बिल्डिंग खरीदी, हमने प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदी या फर्नीचर वगैरह कोई भी चीज़ खरीदी। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी जो कीमत है वो है ₹10,000। हमने क्या किया कि हम लेते हैं कि इसकी जो एज है ना, यानी कितने साल ये एसेट निकालता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 साल। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के हर साल हम कितने कितने फ़ीसद डेप्रिसिएशन लेंगे, तो हम यही एग्ज़ाम्पल में ले लेते हैं कि यह है 10%, यानी हर साल जो डेप्रिसिएशन ली जाएगी वो 10% होगी। अब हमने दोनों मेथड के लिए यही एग्जांपल जो है ना वो इस्तेमाल करने हैं, उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आसानी से आप समझ जाएंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या फ़र्क है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम लेते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। अब हम इस एग्जांपल को शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने
पहले साल डेप्रिसिएशन लेनी है, हमने पहले साल डेप्रिसिएशन लेनी है। और डेप्रिसिएशन कैसे लेनी है कि डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, पहले क्या करेंगे, ये जो 10,000 था इस 10,000 के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लेनी है, यही 10%, ये 10% जो हमने रेट लिया था। अब ये 10,000 के ऊपर 10% लिया तो ये अमाउंट आपकी आएगी 1,000। अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि डेप्रिसिएशन का जो मतलब है वो क्या है, वैल्यू का कम होना। अब डेप्रिसिएशन की कीमत कितनी है, 1,000। इट मीन्स कि जब हमने ये डेप्रिसिएशन ली तो इसकी कीमत 1,000 आई, और इसका मतलब ये है कि एसेट की जो वैल्यू 10,000 थी वो कितने से कम होगी, 1,000 से। यानी 1,000 से कम होने का मतलब है कि बैलेंस का मतलब है कि एसेट की कीमत कितनी रह जाएगी, 10,000 में से 1,000 माइनस करें जो कीमत कम हुई है, तो अब एसेट की कीमत एक साल के बाद रह जाएगी 9,000। इसी तरह दूसरा साल लेते हैं, सेकेंड ईयर, फिर दोबारा डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन जो हमने लेनी है ना ये 3 साल तक लेते जाना है। अब देखें डेप्रिसिएशन, एसेट की कीमत क्या थी, 10,000, इस 10,000 के ऊपर हम डेप्रिसिएशन लेंगे दोबारा 10%, डेप्रिसिएशन आएगी 1,000। अब आप देखें बैलेंस, यानी जब हमने किसी भी एसेट को एक साल तक इस्तेमाल किया तो उसकी वैल्यू रह चुकी थी 9,000। अब एक साल और मज़ीद इसे इस्तेमाल किया तो 9,000 के बाद 1,000 की कीमत और कम हो गई, इट मीन्स कि अब इसकी कीमत रह गई है 8,000। इसी तरह तीसरा साल, थर्ड ईयर, फिर हम लेंगे डेप्रिसिएशन, दोबारा 10,000 के ऊपर, 10,000 का 10% लिया तो आपकी वैल्यू आ जाएगी दोबारा 1,000। 3 साल इस्तेमाल करने के बाद एसेट की जो वैल्यू रह जाएगी यानी बैलेंस वो क्या रह जाएगा, 2 साल के बाद 8,000 रह गई थी, 1,000 और कम हुई तो इसकी वैल्यू रह जाएगी 7,000। अब आप देखें 3 साल हमने डेप्रिसिएशन ली है, क्यों, क्योंकि हमने एग्जांपल में एसेट की जो लाइफ थी वो कितने साल रखी थी, 3 साल। अब इसी तरह ये स्ट्रेट लाइन मेथड से हमने सवाल हल किया, अब हम करेंगे यही सवाल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। अब देखें आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, फर्स्ट ईयर, पहला साल। अब आप देखें कि एसेट की वैल्यू क्या थी, 10,000। उसी तरह डेप्रिसिएशन लेंगे जिस तरह हमने डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में 3 साल के लिए ली, 10% से। 10,000 का हम 10% लेंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1,000। अब ये जो 1,000 आई है ये डेप्रिसिएशन की कीमत है। अब हम बैलेंस मालूम करते हैं, बैलेंस क्या रह जाएगा, 10,000 में से 1,000 माइनस किया तो अब एक साल इस्तेमाल करने के बाद एसेट की कीमत रह गई 9,000। एक साल हो गया, सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर क्या है, सेकेंड ईयर, अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इनमें फ़र्क क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड में और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। अब अगर आप देखें तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जब हमने डेप्रिसिएशन ली, हर दफ़ा पहले साल 10,000 पे ली, दूसरे साल 10,000 पे ली, तीसरे साल 10,000 पे ली, इट मीन कि हम बार बार डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे ले रहे हैं। लेकिन अगर आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में देखें तो पहले साल तो हमने ले ली कॉस्ट पे, लेकिन दूसरे साल में जब हम डेप्रिसिएशन लेंगे तो वो हम लेंगे जो पिछले साल का बैलेंस आया है यानी 9,000 पे, इसका 10% आप लें तो आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 900। अब ये 900 आया है, अब अगर आप इसमें देखें तो अब 2 साल इस्तेमाल करने के बाद जो एसेट की कीमत आपकी रह जाएगी वो क्या थी, एक साल के बाद 9,000 थी, 9,000 में से ये 900 माइनस करें तो अब आपकी वैल्यू रह जाएगी 8,100। इसी तरह तीसरा साल, दोबारा डेप्रिसिएशन, अब जो दूसरे साल का बैलेंस आया है उस पर हम डेप्रिसिएशन लेंगे 8,100 पे, इसका 10% लिया तो आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी
810। अब बैलेंस मालूम करें, बैलेंस कैसे आएगा कि ये 8100, इसमें से 810 रुपये हम माइनस करें तो आपकी वैल्यू रह जाएगी 7290। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो पहले हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन जब भी ली है वो किस पे ली है, कॉस्ट के ऊपर। हमने जब भी डेप्रिसिएशन ली है वो किस पे ली है, कॉस्ट के ऊपर। और अगर आप यहाँ पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में देखें तो हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन जब भी ली है वो किस पे ली है, बैलेंस पर। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट पर और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमने बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन ली है। यहाँ से एक बात अगर हम देखें तो जब हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन ली तो हर साल डेप्रिसिएशन सेम थी, यानी 1000 1000 1000, डेप्रिसिएशन हर साल क्या रही, सेम यानी फिक्स्ड। और अगर यहाँ पर देखें हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो कम होती चली गई, यानी पहले साल 1000, दूसरे साल 900, तीसरे साल 810। इट मींस कि डेप्रिसिएशन जो है वो क्या हो रही है, रिड्यूस यानी डिक्रीज हो रही है हर साल। ये जो एंड पे हमने कंक्लूजन निकाला है ना, ये सेम फिक्स वाला और रिड्यूसिंग और डिक्रीज वाला, ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वो पूछ सकता है। अब आप देखें कि ये दोनों मेथड्स में फ़र्क है, स्ट्रेट लाइन मेथड में और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो वो क्या कर सकता है कि वो हमारे चैनल के नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकता है कि कहाँ से समझ नहीं आई, और कहीं पर प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पर लिख दे, उसको उसका आंसर दे दिया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें कि हमारे चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक पहुंच सके, सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। थैंक यू।